अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ अलकबी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज फिर एक दफ़ा हमारे साथ शहजेब भाई मौजूद है। शहजेब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, आज हम कौन सी गाड़ी करेंगे? आज हम करेंगे सुजुकी एवरी है, 2015 मॉडल है, पुरानी शेड में। ठीक है, 18 की इंपोर्ट है, मैनुअल गियर, फ्रंट पावर विंडो पीसी। ठीक है, इसको पीसी बोलते हैं। जी, इसको पीसी बोलते हैं। पीसी में आपको पहले वाली भी बताया होगा, इसके टिंटेड ग्लासेस होते हैं पीछे वाले। ठीक है, हीट प्रूफ ग्लासेस को हम कहते हैं, मतलब धूप नहीं आती उनके लिए अंदर। बिल्कुल सही है। रिमोट वाली चाबी है इसकी। बिल्कुल, अगले दो इसके पावर विंडो होते हैं अली भाई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 15 मॉडल है, 18 की इम्पोर्ट है, 18 की रजिस्टर्ड अली भाई। 136,000 ये चली हुई है माइलेज की। ये गाड़ी हमने 18 में इम्पोर्ट की थी। ठीक है, हमने सेल की थी दोबारा, और अभी फिर ये हमारा कस्टमर हमारे पास ले गया हमें सेल करने के लिए। बिल्कुल सही है सर। ये बताइएगा नंबर किस शहर का लगा हुआ? लाहौर का रजिस्टर्ड गाड़ी, लाहौर का नंबर लगा हुआ 18 का। ठीक है, थैंक यू। आइए हम गाड़ी देखते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं इसके हीटर की। तो मैंने भी इसका हीटर चलाया है, कसम से बहुत ही मज़े का और गर्म हीटर चल रहा है, और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है इसका मुझे हीटर। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो ये मीटर आप लोगों के सामने है, मैं को मीटर दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। 138,567 किलोमीटर चली है एग्जैक्ट। शाजी भाई भी शायद इतने कुछ बता रहे थे। तो ये स्टेयरिंग देख लें, स्टेयरिंग बहुत ही अच्छी हालत में आपको मिलता है। और ये देख लें, ये आपके सामने है जेन्युइन एयरबैग्स के साथ हीटर, बहुत ही मज़े का चल रहा है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और यहाँ पर LED लगी हुई है सामने, मैनुअल गियर है इसका, यहाँ पर आपको मैनुअल सेटअप इसका मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ से डैशबोर्ड देख लें इसका, सारा ये हालात है इसके डैशबोर्ड के। आप फ्रंट से छत देख लें इसका, ये देखें जी, ये छत है इसका, लाइट सामने चल रही है, वाइट कलर की लाइट है इसकी, इसकी येलो लाइट नहीं है। साइड से आपको मैं दिखाऊं इसके कंट्रोल्स के बारे में, तो दोनों पावर विंडो जो है फ्रंट की, अगली जो पावर विंडो है, दोनों ये दोनों पावर हैं। और उसके अलावा बाहर के मिरर इसके पावर नहीं है। और अगर साथ की सीट की बात करूँ तो सीट बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है, लश कंडीशन में मौजूद है, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आई है इसकी। अगली ये सोफ़ा सीट है, और दरमियान वाली सोफ़ा सीट नहीं है, इस पर रैपर भी अभी चढ़ा हुआ है, ये देख लें आप, इसमें छापर भी चढ़ा हुआ है। और इस साइड से अगर मैं छत दिखाऊँ तो ये छत देखें, बहुत ही आला हालत में छत है। ये बेसिकली तकरीबन जो 13.5 से 14 लाख के दरमियान गाड़ी लेना चाह रहे हैं उनके लिए उस बजट में ये गाड़ी है। ये आप देख लें, इसकी छत की हालत बहुत ही कमाल की है, ये आप देख लें, ये आप लोगों के सामने है। आइए हम पीछे से गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी के क्या हालात और वाकयात हैं और क्या सीन्स हैं। नीचे से आप इसका मैट्रेस भी देख लें, ये देखें नीचे से कारपेट आप देखें, बहुत ही शानदार है। नीचे आपको तीन पैडल देखने को मिलते हैं इसके, नीचे जाहिर है ये मैनुअल है, इसके तीन पैडल ही होंगे, इसको PC बोलते हैं। और ये आप लोगों के सामने है हीटर, बहुत मज़े का यार, कमाल है जी। नीचे आप कारपेट देख लें, दरमियान में आ चुका हूँ मैं, ये कारपेट बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है, ये आप लोगों के सामने है। और यहाँ से आप ये देख लें ये, और पीछे की अगर सीट दिखाऊँ, ये सादी सीट है, लेकिन सादी सीट भी बहुत अच्छी हालत में, काफ़ी नरम सीट है मुझे महसूस हो रही है दूसरी गाड़ियों के नस्बत। और अगर इस साइड से आपको मैं छत दिखाऊँ तो ये आप छत देख लें पीछे से एक दफ़ा क्लियर सारा का सारा। और पिछली सीट की बात करूँ जो कि लगवानी पड़ती है, यहाँ पर आपको लगी हुई सीट मिलेगी, ये सोफ़ा सीट है, कुछ इतनी खास हालत में नहीं है लेकिन अच्छी सीट लगी है, कोई इतना ऐसा मसला नहीं है। तो ये आप देख लें, ये हालात तो वाकयात हैं इसके। ये दरमियान में चलेगी मेरा ख्याल है, चल जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है यार, कोई मसला नहीं है, ये चल गई है। तो आइए हम बाहर देखते हैं बाहर के हालात तो वाकयात, बाहर की सैर करवाता हूँ गाड़ी की क्या हालात हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी जर्सियाँ वगैरह निकाल लीजिएगा। आइए हम पीछे से गाड़ी देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी बैक लाइट देखते हैं, ये देखिए आप बैक लाइट, ये हालात है इसके बैक लाइट के, बहुत ही साफ़ सुथरी हालत है। नीचे से बम्पर आप देख लें, ये बम्पर के हालात हैं, लाहौर का नंबर लगा हुआ है इस गाड़ी को, ये आप देख लें पूरा का पूरा बम्पर, हल्के फुल्के छोटी छोटी लाइन्स हैं, कोई इसका ऐसा मसला नहीं है। या पीछे से इसकी दूसरी लाइट देख लें, हेडलाइट, ये हालात है इस लाइट के। और पीछे से आपको पूरी गाड़ी का व्यू दिखाऊँ, ब्लैक कलर की गाड़ी है, मुझे खुद पर्सनली तौर पर ये गाड़ी बहुत पसंद है। और ये देख लें हम नीचे इस साइड के, अगर टायर की बात करूँ मैं, ये राइट साइड का पिछला टायर है, ये आप लोगों के सामने है, ये आप देखें ये हालात हैं इस टायर के। पीछे से आप इस साइड से गाड़ी देख लें सारी की सारी, ये हालात है जी इस गाड़ी के, इतने हाथ को रैशेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पेंट हुआ हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी है, ये आप देख लें, ये हल्की फुल्की सी लाइन आपको नज़र आती है, ये देख लें। क्योंकि अलकबी मोटर पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सो को गाड़ी दोबारा रिपीट हो रही हो हमें याद नहीं रहता, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन इसके आप ग्लासेस देखें तो टिंटेड ग्लासेस हैं, हीट प्रूफ, और ये आप देख लें नीचे ये हालात है इस गाड़ी के। पिछले दरवाजे की बात करें तो ये आपको लाइन लगी हुई मिलती है, ये आप इधर से देख लें,
और यहाँ से अगर आपको मैं अगला गेट दिखाऊँ, अगला दरवाज़ा दिखाऊँ, तो अगला दरवाज़ा आप देखें इस साइड से, आप ये देख रहे हैं मिरर, ये यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं मिरर के, ठीक है, ये हाथ से इसकी सेटिंग करने वाली है इस मिरर की। और इस साइड से पूरा दरवाज़ा दिखाऊँ तो ये दरवाज़ा आप देख लें पूरा का सारा, ये आप देखें ये दरवाज़ा आप सारा का सारा देख लें, यहाँ पे स्क्रैचेस आपको दिखे हुए मिलते हैं, ये नीचे भी देख लें इसको। और इस साइड के फेंडर की बात करें या इंडिकेटर देख लें, इस साइड का फेंडर की बात करें तो फेंडर आपके सामने है। राइट साइड का अगला टायर आपको दिखाऊं तो ये देखें ये हालात है राइट साइड के अगले टायर के। अगर फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट पूरा का पूरा आप देख लें, ये हालात है इसके फ्रंट के, और ये पूरी की पूरी गाड़ी आप देख लें इसके फ्रंट से। और अगली अगर लाइट की बात करूँ फ्रंट लाइट की, हेडलाइट की, तो ये हेडलाइट देखें ये हालात है इसके, ये आप देख लें इसको, ठीक है जी। ये बम्पर है नीचे, बम्पर में भी आप एक दफ़ा नज़र लगा लें, ये हालात है। गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई है इस साइड से, अगर आपको मैं दिखाऊं उस लाइट को तो ये लाइट देखें बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में ये लाइट मौजूद है। फ्रंट से आप सारी गाड़ी देख लें जी, ये हालात है। इसकी प्राइस यहाँ पर लिख के लगाई हुई है 14,25,000, लेकिन 13,80,000 में आपको ये फाइनल मिल जाएगी। इस साइड की अगर फेंडर की बात करें तो ये देख लें आप, इस साइड का फेंडर ये हालात है इस फेंडर के, ये हल्के फुल्के स्क्रैचेज आपको यहाँ पर मिलते हैं दो, और ये इंडिकेटर बहुत लश कंडीशन में मौजूद है। लेफ्ट साइड की अगले टायर की बात करें तो ये आपके सामने लेफ्ट साइड का अगला टायर, ये आप देख लें, सही है जी। इस दफ़ा मैं थोड़ी तसल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तसल्ली से दिखाया करें, तो ये लोगों के सामने है। इस साइड का दरवाज़ा आपको अगला दिखाऊँ, अगला डोर है दूसरी साइड का, ये आप देख लें ये हालात है इसके, इस दरवाज़े के तकरीबन सारा दरवाज़ा जो है साफ़ है। अगर पिछले दरवाजे की बात करूँ तो ये दरवाज़ा आप देख लें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, ये दरवाज़ा बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। अभी तक मुझे इसमें कोई रैश नज़र नहीं आ रहा, ये हल्के फुल्के निशान है, इसका कोई मसला नहीं है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा दरवाज़ा। ये हल्का सा एक डेंट नज़र आता है यहाँ पर, शायद आपको अभी यहाँ से फील ना हो रहा हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है यहाँ पर एक डेंट मौजूद है, ठीक है। पिछले टायर की बात करें, लेफ्ट साइड के पिछले टायर की बात करें तो ये आपके सामने है लेफ्ट साइड का पिछला टायर, देख लीजिए ये रही आपकी सारी की सारी गाड़ी जी। आपने गाड़ी देखी है, जानी है सारी की सारी, आई होप कि आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी। और आइए इस गाड़ी का प्राइस पूछते हैं, इस गाड़ी की प्राइस क्या है? इसकी हमने प्राइस लगाई हुई है 14,25,000 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 13,80,000-90,000 रुपये तक फाइनल देंगे, 80,000 रुपये तक फाइनल दे देंगे गाड़ी ने भाई। बिल्कुल सही है, अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप आ सकते हैं अलकबी मोटर कश्मीर रोड पर, 13,80,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0347-562-5697, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोच रहे हैं, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआएं लिखते हैं आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।